हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ये राइस पाउडर एंड विटामिन ई फेस मास्क फॉर स्किन वाइटनिंग। ये फेस मास्क जितना ज़्यादा सिंपल है उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन को लाइटन वाइटन एंड ब्राइटन करने में। एंड तो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा यूज़फुल, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है हमारा राइस फ्लोर। तो क्या बेनिफिट्स हैं राइस फ्लोर के हमारे स्किन के लिए, वो मैं आपको बता दें। राइस फ्लोर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर रिवाइविंग डार्क एंड डल स्किन। जैसे हमारी स्किन डैमेज हो चुकी होती है, जैसे स्ट्रेस वगैरह से सन डैमेज हुआ होता है या पॉल्यूशन की वजह से, सो राइस पाउडर जो है वो हेल्प करता है हमें रिगेन करने में हमारे ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन को। सो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं लूँगी एक बाउल में अ टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लोर या राइस पाउडर। राइस पाउडर जो है एक बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर का भी वर्क करता है। ये आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। एंड इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लो और बेसन। सो ग्राम फ्लो हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज़ दैट ट्रीट एक्ने, एंड इसमें होता है जिंक जो कि फाइट करता है एक्ने काउजिंग इन्फेक्शन से। एंड ये आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा सीबम की प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे राइस पाउडर पे ताकि कोई भी लंप वगैरह ना रहे हमारे पाउडर में। इसमें इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ रोज़ वाटर और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक मुझे एक अच्छा कंसिस्टेंसी का पेस्ट नहीं मिल जाता है। सो रोज़ वाटर क्या करता है, रोज़ वाटर हेल्प करता है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, एंड ये फाइट करता है पिगमेंटेशन से एंड आपके जो न्यू सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को बूस्ट करता है। एंड नाउ आई एम एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई ऑयल, और सीधी भाषा में बोले तो विटामिन ई एक कैप्सूल जो होता है उसका ऑयल निकाल के मैं इसमें डाल दूंगी एंड उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सो विटामिन ई क्या करता है, विटामिन ई हेल्प करता है आपकी स्किन को नरिश रखने में, एंड ये आपके जो डल एंड टायर्ड स्किन होती है उसको हेल्दी एंड ग्लोई बनाने में हेल्प करता है। सो इस तरह का हमारा पेस्ट रेडी है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू लाइटन हाइपर पिगमेंटेशन एज वेल एज एक्ने स्कार्स और मार्क्स एक्सेट्रा, एंड इट हैज़ आल्सो एंटी एजिंग बेनिफिट्स। सो और भी बहुत फ़ायदे हैं इसके, बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से इस तरह से। सो ये हमारा राइस फ्लोर एंड विटामिन ई फेशियल मास्क रेडी है। सो इसको लगा के देखते हैं। सो इसको लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ब्रश चाहिए होगा, अगर नहीं है तो आप फिंगर्स की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आपके फेस पे। आपको आपके फेस एंड नेक पे इसको अप्लाई करना है। मैं सिर्फ फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बट नेक ज़रूरी होता है, नेक में भी आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए जो आपके फेस में करते हो। सो मैं इस तरह से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी एंड इसके बाद मैं वेट करूँगी 10 to 15 मिनट्स, तब तक ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये 10 से 15 मिनट आपकी हो जाएगी तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा गीला करना है। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर स्प्रे करके ही इसको गीला कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। एंड उसके बाद आपको अच्छे से इसको मसाज करना है 2 to 3 मिनट्स के लिए, बिकॉज राइस जो है बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है एंड ये आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स वगैरह को रिमूव करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। सो मैं इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करूँगी इससे एंड वॉश कर लूँगी अपने फेस को, एंड उसके बाद टोनर मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करूँगी। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।